अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट डेज में मैंने फेसबुक पर एक लाइव सेशन देखा ज्वेलरी का, और मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत पसंद आई। और मेरा इरादा तो नहीं था उस टाइम ऑर्डर करने का, लेकिन मुझे इनकी डील्स और ज्वेलरीज इतनी पसंद आई कि मैंने फ़ौरन से इनको ऑर्डर कर दिया। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जब पार्सल मुझे रिसीव होगा तो उसमें इतनी मज़े की और इतनी क्यूट चीज़ें होंगी। तो मेरा बहुत दिल किया कि चलें फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कितनी खूबसूरत ज्वेलरी इन्होंने मुझे सेंड की। ये कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन मुझे इनकी चीज़ें इतनी पसंद आई कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं इनका रिव्यू करूं। और ये इनका कार्ड है, और आप लोग भी इनको फेसबुक पर ज़रूर कीजिएगा फॉलो और इनसे शॉपिंग कीजिएगा, क्योंकि इनकी चीज़ों की क्वालिटी मुझे तो बहुत पसंद आई। तो ये एक लिप ग्लॉस है जो कि इन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट सेंड किया इस ज्वेलरी के साथ, क्योंकि मैंने इनसे 1500 की शॉपिंग की थी। तो उस दिन इनकी ऑफ़र थी कि 1500 तक की जो भी शॉपिंग करेंगे उसके साथ वो ये लिप ग्लॉस जो है वो फ्री देंगी। तो ये उन्होंने मुझे भेजा, और इसका शेड भी मुझे बहुत पसंद आया। ये शेड तो मेरा फेवरेट है, और ज्वेलरी भी मुझे ओवरऑल सारी ही बहुत पसंद आई। अच्छा, ये वाले जो इयररिंग्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे 1000 की डील में इन्होंने 5 पेयर सेंड किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील थी क्योंकि इयररिंग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ड्यूरिंग लाइव सेशन तो मुझे बस नॉर्मल लग रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे और ख़ूबसूरत होंगे, लेकिन इनकी लुक बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी और ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये वाले भी जो इयररिंग्स आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्यूरिंग लाइव सेशन मुझे इतने खास पसंद नहीं आ रहे थे, और मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं ये लूँ या ना लूँ और अपनी डील में इनको ऐड करवाऊँ या ना करवाऊँ। लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ तो बिलीव मी, ये बहुत एलिगेंट और बहुत खूबसूरत हैं, और कैमरा इनकी ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पा रहा, ये वाकई ही बहुत एलिगेंट लग रहे थे और किसी भी महंगी ब्रांडेड ज्वेलरी से कम ये ज्वेलरी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। 10,000 की डील में मुझे ये हूप्स रिसीव हुए, और इनकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट थी, ये बिल्कुल भी कहीं से लोकल नहीं थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और बहुत एलिगेंट थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे मुझे ये। और सबसे बढ़ के इनकी पैकिंग और इनकी जो चीज़ों की क्वालिटी थी और जिस तरीके से इन्होंने उसको पैक करके भेजा, मुझे वो भी बहुत पसंद आया। और ये भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के इयररिंग्स थे जो मुझे 1000 की डील में मिले थे। और ये देख सकते हैं, ये पूरे ईयर को कवर करते हैं और बहुत एलिगेंट लगते हैं पहन के। इसकी पिक्चर इनके पास है, मेरे पास नहीं है, अगर हुई तो मैं साइड पे लगा दूंगी, लेकिन ये भी पहन कर बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें 2 इनके पास कलर्स, एक सिल्वर थे, गोल्डन थे, तो गोल्डन मैंने काफ़ी ले लिए थे तो फिर मैंने सिल्वर ऑर्डर किए, और ये भी 1000 की डील में ही थे। देन जी, ये सीज़र एयरिंग्स थे, ये भी 1000 की डील में मुझे मिले, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट हैं, और कैमरा में बिल्कुल भी इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे जितने ओरिजिनल खूबसूरत थे, और बहुत ही मुझे पसंद आया इनका स्टाइल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट लगे मुझे ये, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और देन ये वाले एयरिंग्स इन्होंने मुझे थोड़े से हटके दिए थे, ये 1000 की डील में नहीं थे, 350 का पेयर था, लेकिन 350 में भी ये बहुत 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 बेस्ट हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे ही इन्होंने शायद इसकी प्राइस 550 लिखी हुई थी, लेकिन मुझे इन्होंने ये 350 में दिए, और ये भी बिल्कुल भी कैमरा में इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं जितने ओरिजिनल देखने में खूबसूरत हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा इनके पास ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी थी, और मेकअप में मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मेकअप मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाय कर चुकी हूँ, तो ये लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लश ऑन है और इसमें एक छोटा सा क्यूट सा पफ भी है, और ये भी इम्पोर्टेड है। और तो फिर ये मैंने अपने जो 1500 वाला पूरा पैकेज मैंने बनाया था उसमें मैंने फिर इसको ऐड करवा लिया, और ये इन्होंने मुझे जस्ट इन 150 रुपीज़ में दिया। तो आई होप कि मेरा आज का ये शॉपिंग हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, किसी अच्छे से रिव्यू के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।